आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पिवट टेबल, और पिवट टेबल में हम बात करेंगे आपके साथ पावर एक्सटर्नल पिवट टेबल। जैसे कि आपको इससे पहले क्लास में हमने समझाया था, कैलकुलेशन में पढ़ाया था कि किसी डेटा में कोई डेटा हमारा है और किसी डेटा में अगर मान लीजिए कोई एक कैलकुलेशन शीट थी हमारे कि अगर कोई नई डेटा ऐड होती है तो हमें में उसको वापस रीसेलेक्ट करना होगा। आपने ज्वाइन नहीं किया इधर ग्रुप में डाला है मैसेज मैंने, तो बाकी लोग भी ज्वाइन कैसे कर ले, मैसेज डाला तो तीन लोग ज्वाइन है, दो वन और दो सब ज्वाइन है। मैसेज डाला है सर ग्रुप में, सर ग्रुप में डाला हुआ, एक मिनट देखना, मैं 6 AM वाले में डाल दिया, सॉरी सर गलती है, मेरी गलती है, 6 PM होना चाहिए था, 6 AM में डाल दिया, बस स्टार्ट करने वाला था, ही रहा ये गलती है सर, मैंने 6 AM वाले बच्चे ने ज्वाइन कर दिया, 6 PM में डाला था, 6 AM में डाल दिया, ज्वाइन कीजिए ना, देख कर रहा हूँ। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में समझाया था, तो एक्सटर्नल पिवट टेबल की सबसे पहली जरूरत होती है, चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि आपके सामने अगर मेरे पास एक डेटा है और मान लीजिए कि मैंने इसमें अपना पिवट टेबल लगाया, सर पिवट टेबल में मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्वार्टर वाइज या प्रोडक्ट वाइज ही मैंने यहाँ पे टोटल दे दिया, राइट। तो इसमें दिक्कत क्या होता है कि यहाँ सीट वन पे अगर मान लीजिए कि मैं अपने डेटा में कोई चेंजिंग करता हूँ, कोई डेटा में कोई चेंजिंग किया तो पिवट पे हमें रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ हो जाता है, जैसे 25202 है और मान लीजिए कि मैंने आज 450 कर दिया और मैं यहाँ पे जस्ट इसको रिफ्रेश कर रहा एमआरपी में चेंज कर रहे हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ज्योति जी, सॉरी आज आपको ग्रुप में मैसेज डालना भूल गया, 6 PM सर, पहले तो वेट किए फिर मैं चली गई, अभी मैंने देखा मैसेज तो जल्दी जल्दी मैंने लैपटॉप ऑन किया। ओपन
अभी दो बैच मैंने 6 मॉर्निंग 6 पीएम को भी कुछ दिनों के लिए इसमें मर्ज कर दिया है ना। तो भी आपने मॉर्निंग में मैसेज किया था 6 बजे, मैंने गलती से मॉर्निंग में मैसेज आपको कर दिया था। हाँ मैंने कहा सर सुबह कौन सी क्लास के लिए बोल रहे हैं, मुझे लगा शायद आप टैबलू के लिए बोल रहे हैं। मैसेज गलती से आ गया। टैबलू का कोई स्टार्ट नहीं किया सर आपने? स्टार्ट नहीं किया, अभी क्या मंथन चल रहा है, सारा अभी स्टार्ट नहीं हुआ, मंथन के बाद हम मंथन चल रहा है ना सर, ऑफिस रिपोर्ट हो जा रहा है, जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स वगैरह लेके इनसे आया हुआ बहुत सारे रिपोर्ट्स है। तो हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा बात करने जा रहे हैं एक्सटर्नल पिवट टेबल के ऊपर। फाइनली यहाँ पे देखिए कि हम कैसे एक्सटर्नल पिवट टेबल लगाते हैं। तो एक्सटर्नल पिवट टेबल में हम बात करने जा रहे हैं कि पहले यूज क्या होती है, इसे कई सारे यूजेज हैं। जैसे कि आपने भी मैंने यहाँ पे एक पिवट लगाया हुआ है राइट, ये हमारे रिपोर्ट आया हुआ है, रिपोर्ट वगैरह बना दी, फिर डेटा में कुछ चेंजिंग हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने क्वांटिटी तो 780 और 780 मैंने कहा, तो मेरा पिवट अपडेट कब होगा, जब मैं इस पे रिफ्रेश करूंगा। अब देखिए रिफ्रेश हो गया ना, 202 का 904 हो गया। तो डेटा में अगर कोई चेंजिंग करते हैं तो आप अपडेट इजीली कर सकते हैं ओके। बट यहां पे एक चीज एक प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई नई डेटा है तो क्या हो? जैसे कि कल की क्लास में हमने टारगेट को ऐड किया था, तो हमें क्या करना पड़ा था, हमें यहाँ इसमें पिवट टेबल के एनालाइज में जाना पड़ा था और यहाँ चेंज डेटा सोर्स करके डेटा को वापस से रीसेलेक्ट करना पड़ा। हर बार ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि मैं हर दिन नया डेटा डालता हूँ, मैं यहाँ पे हर दिन एक नया डेटा डालता हूँ, तो हर दिन मुझे इस तरह की चीजें करना पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए कि हमें हर दिन यहाँ पे डेटा डालने की, हर बार डेटा को रिसेलेक्ट करने की जरूरत ना पड़े। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक्सटर्नल पिवट टेबल लगाते हैं एक्सटर्नल मेथड्स। कैसे, हम इंसर्ट पे आते हैं, पिवट टेबल पे जाते हैं, ब्लैंक एक ब्लैंक शीट पहले लेंगे, ब्लैंक शीट पे आएंगे और पिवट टेबल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स, यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स, इसमें हम टूल्स कनेक्शन पे जाएंगे। और यहाँ पे रिसेंटली जो हमने ऐड किया वो आएगा, बट मुझे नया चाहिए तो ब्राउज फॉर मोर, और यहाँ पे मुझे अपनी फाइल जो भी मेरी फाइल है उस फाइल को वापस सिलेक्ट करना होगा। ऐसे डेटा भी को सिलेक्ट कर दिया, अब एक बार में एक ही सीट से आपका डेटा लगेगा, तो आपको बताना होगा कि आपका डेटा किस सीट पे है। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया एंड वापस इसको, अब हमारा पिवट लग चुका है। अब मान लीजिए मैं प्रोडक्ट बाई यहां क्वांटिटी का टोटल दिया, प्रोडक्ट में मैं यहाँ पे सेट ओके। अब मुझे बस यहाँ क्या करना है, अपने यहाँ इस पे राइट क्लिक रिफ्रेश, सेट आ गया।
सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ा, ऑटोमेटिक में सिलेक्ट हो गया। तो एक्सटर्नल पिवट टेबल मेथड से आपने किया तो इसलिए अब इसमें क्या है कि हमें रेंज डालने की जरूरत नहीं है, अपने आप रेंज बढ़ा लेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा एक कॉलम नहीं बढ़ाता, अगर आपने कॉलम डाल दिया तो कॉलम इसका फिक्स है, कॉलम को नहीं बढ़ाएगा, इससे रो को इंक्रीज करता है। दूसरा, आप जब भी पिवट लगाएंगे आप इंश्योर कर लीजिएगा कि आपके डेटा के अंदर जो फर्स्ट कॉलम है वही डेटा होना चाहिए, वही से आपका हेडिंग होना चाहिए और डेटा स्टार्ट होना चाहिए। होता है बहुत किसी में कि हमारे ऊपर में कुछ चीजें लिखी होती है और नीचे से हम स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसमें एक और खासियत है कि अब मुझे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, तो मैं डेटा मेनू बार के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे क्यूरी एंड कनेक्शन दिख रहा है उस पर क्लिक, अब इस पे मैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाता हूं और प्रॉपर्टीज में आप देख रहे हैं आपको रिफ्रेश एवरी मिनट, जैसे मान लीजिए कि आपके हर 5 मिनट पे रिफ्रेश करना है, या फिर आप चाहते हैं जब भी मैं डेटा ओपन करूं तो ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होगा, जब मैं डेटा ओपन करूं तो ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होगा। तो इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, या क्लिक डेट में आपको फाइल का डेस्टिनेशन वगैरह चेंज होता है तो यहां से अपने डेस्टिनेशन को चेंज कर सकते हैं। ये तो फाइल हो गई विद इन फीड के अंदर, लेकिन दूसरा यूज क्या है इसका, तो आपके ऑफिस में कुछ ऐसा फाइल होगा कि काफी बड़ा होगा, लेंदी होगा, जब भी आप उस फाइल को खोलते हैं तो आपका काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम करता होगा। ठीक है, तो जब भी आप उस फाइल को खोलते हैं तो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है और आप चाहते हो कि वो फाइल को बिना खोले मैं उसमें पिवट लगा सकूं, मैं फाइल को बिना खोले पिवट लगा सकूं, क्योंकि जब भी वो खुलती है काफी लीक होता है, काफी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पिवट में जाएंगे, पिवट टेबल, और यहाँ पे यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स ब्राउज ब्राउजफुल मोड, और आप यहाँ अपने उस लोकेशन पे जाएंगे और उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, सीट को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे और फिर आप यहाँ अपना पिवट लगा, राइट। और ये पिवट क्या एसक्यूएल डेटा सोर्स भी कनेक्ट कर सकता है? जी हाँ, जी हाँ, मैं बता रहा हूँ अंदर। तो इससे क्या हुआ कि आपका जो बड़ी फाइल है वो आपको जो पिवट इंसर्ट करने में जो टाइम वेस्ट होगा वही टाइम वेस्ट होगा और ऐसे फिर नॉर्मली एक इजीली जो है परफॉर्म करेगा, फिर आपको दिक्कत नहीं है, वो इजीली परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि मेरा डेटा एक्सेल पे ना हो, उसको मेरा डेटा मान लीजिए एमएस एक्सेस डेटा रेंज पे पड़ा हुआ, तो कुछ नहीं करना है, चूज कनेक्शन पे जाना है, ब्राउज टू मोड पे जाना है, जैसे आपने एक्सेल फाइल को सिलेक्ट किया था उसी तरह से आपको एक्सेस फाइल को सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक पी डेटा को यहाँ भी है सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ भी आपको क्या है, क्यूरी करना है, टेबल करना है, क्या करना है, आप इसको सिलेक्ट करें। जब मैं क्यूरी टू को सिलेक्ट किया ओके, एंड यहाँ देखिए हमारा मंथ वाइज टोटल में यहाँ इजीली निकाल सकता हूँ। तो डेटा मेरा कहाँ पर हुआ, एमएस एक्सेस डेटाबेस में, और अब यहाँ पे एक्सेल में इसको एज ए पिवट इमेज करना है।
इसी तरह से आपका डेटा अगर मान लीजिए एसक्यूएल में पड़ा, एसक्यूएल सर्वर में पड़ा है और आपका डेटा पड़ा हुआ है ओरेकल में पड़ा हुआ है, तो आप उसको भी यहाँ पे ला सकते हैं। इसके लिए आपके सिस्टम में एसक्यूएल सर्वर होना चाहिए या फिर एसक्यूएल सर्वर की एसक्यूएल के बाद दो तरह का होता है, एक होता है लोकल होस्ट, दूसरा होता है क्लाइंट होस्ट। लोकल होस्ट में क्या होता है कि मेरा डेटाबेस मेरे इसी पीसी में है, ठीक है, और मैं कंप्यूटर ऑथोराइजेशन से इसको लॉग इन कर सकता हूँ। दूसरा होता है कि मेरा डेटाबेस किसी और पीसी या सर्वर पे किसी और लोकेशन में पड़ा हुआ है और मेरे सिस्टम में क्लाइंट होस्ट है जो कि मेरे उस डेटाबेस को कनेक्ट करेगा, क्लाइंट पीसी को बोलते हैं। लेकिन मेरे पास, लेकिन ऑफिसेज में मोस्टली क्लाइंट पीसी होता है, लेकिन मेरे पास लोकल होस्ट है, तो आप कैसे करेंगे इसको देख लीजिए। आप यहाँ डेटा मेनू बार में जाएंगे, सॉरी इसमें इसमें इंसर्ट में पिवट टेबल में चूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स ब्राउज फॉर मोर। अब यहाँ पे आपके कोई जो फाइल्स है वो फाइल्स को तो आप अटैच कर सकते हैं जो आपके डेटाबेसिस फाइल्स है, जैसे कि आपका एक्सेस का हो गया या कोई और सोर्स कनेक्शन सोर्स हो गया, वो आप ले सकते हैं, एक्सेस ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आपको एसक्यूएल ओरेकल एसेस से डेटा लेना है तो फिर आपको यहाँ न्यू सोर्स पे क्लिक करना। न्यू सोर्स में आप एसक्यूएल सर्वर है, एसक्यूएल एनालिसिस फील्ड है, डेटा फील्ड है, ओटीबीसी है और ओरेकल है। तो बेसिकली एसक्यूएल सर्वर के लिए ये लेते हैं और इसके लिए डेटा ओरेकल के लिए उसको लेते हैं। तो ओरेकल तो मेरे सिस्टम में नहीं है बट एसक्यूएल सर्वर मेरे सिस्टम में है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको आपका सर्वर नेम देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको अपना सर्वर नेम देना और यहाँ लॉग इन आई डी क्लाइंट पीसी होगा तो आपको यहाँ से यूजर नेम एंड पासवर्ड रहेगा, लेकिन मेरा लोकल होस्ट है तो मेरा विंडो एप्लीकेशन है तो मैं विंडो का पासवर्ड वही पासवर्ड का इसको मैनेज करूंगा। अब यहाँ पे दिक्कत हो सकता है कि समटाइम क्या होता है कि सिर्फ सर्वर नेम से चल जाता है, समटाइम क्या करता है कि पूरा ना पूरा इसको कंप्यूटर नेम और पाथ चाहिए होता है। जब आप क्लाइंट पीसी या लोकल सर्वर करेंगे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाए, जैसे कि मैंने यहाँ ब्राउज किया तो मेरा जो है ये है डेटाबेस इंजन पूरा, ये जो डेस्कटॉप स्लैश NS50Q3 ये मेरा पीसी नेम है, कंप्यूटर नेम है या नेटवर्क पाथ भी हो सकता है और स्लैश IPT मेरा सर्वर नेम। अब देखता हूँ क्या इसने कनेक्ट किया, नहीं किया, क्यों? क्योंकि इस सर्वर नेम को इसने रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो मुझे इसका पूरा पाथ के साथ डालना है। पर 2007 वगैरह में सिर्फ सर्वर नेम से ही काम चल जाता है। ये आ गया मेरा, इसमें आपको सिलेक्ट करना होगा डेटाबेस, क्योंकि एसक्यूएल सर्वर में कैसा डेटाबेस होते हैं। तो मैंने यहाँ पे IPT को सिलेक्ट किया जो मेरा बनाया हुआ डेटाबेस है, इसके डेटा भी है मेरा ही है। और इसके बाद इस IPT के अंदर जितने भी डेटा टेबल है ना वो यहाँ पे आ जाता है। आप डेटा टेबल को सिलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट करके आप फिनिश कर दीजिए और यहाँ पे यस कर दीजिए। ये आपका SQL सर्वर में जो मैं IPT सर्वर के अंदर IPT नाम का जो डेटा था उसका पिवट आपके सामने लगा। SQL से अगर हम रिपोर्ट बनाना चाहे तो वो इसके थ्रू इस कनेक्शन के थ्रू बना सकते हैं। अब डेटा पिवट में आ गया, अब इसके ऊपर जो आप लगाना चाहे, रीजन वाइज मुझे सेल्स का टोटल चाहिए, लीजिए आ गया सेल्स का टोटल रीजन वाइज, राइट ले रहे हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं कि मुझे कभी कभी क्या है कि मुझे मेल पे कोई डेटा आता है, ठीक है, मान लीजिए कोई वेबसाइट है,
किसी वेबसाइट से मुझे डेटा को डाउनलोड करना पड़ता है और फिर उसमें पिवट लगाना पड़ता है। बहुत बार हमें किसी वेबसाइट से डेटा को डाउनलोड करके और फिर उस पर पिवट डेटा लगाना पड़ता है। और मान लीजिए वो डेटा हर दिन अपडेट होता है, सेम लोकेशन में सेम फाइल के नेम से हर दिन यह डेटा अपडेट होता है। जैसे कि ए मान लीजिए कि ए है, बहुत सारे फाइल है यहाँ पे, हम इसी का लिंक ले लेते हैं। हमने कॉपी लिंक लोकेशन कर लिया और हमें उस केस में जब पिवट हम लगाएंगे तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ब्राउज पर मोड़ करके हम यहाँ पे उस फाइल का पाथ ले लेते हैं और यहाँ पे ओपन करते हैं। लेकिन पाथ सही होना चाहिए, गलत पाथ है तो नहीं एक्सेप्ट नहीं करता है। आ गया सर, अब यहां से आप अपना पिवट लगा सकते हैं। तो आपको उस लोकेशन से बार बार फाइल को डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, आपका पिवट अपने आप जो है इसका आ गया। जैसे किसी वेबसाइट से या किसी एफटीपी से या कहीं से डेटा बार बार डाउनलोड होता है ना सर, आपने डाउनलोड किया और आपने रिपोर्ट बना दिया, फिर अगले दिन वो डेटा वहां अपडेट होगा। सर अब इस रिपोर्ट को अगर हमें सबमिट करना हो तो कैसे करेंगे? पिवट ने अपना डेटा अपने पास रख लिया हुआ है, जिसको जहां भेजना वहां भेज, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हम इसका फाइल सेव करेंगे, देन उस फाइल को हम भेज देंगे, राइट? या फिर इसका कोई पीडीएफ फॉर्म भी होगा सेव करने का? पीडीएफ नहीं, पीडीएफ में नहीं, सिर्फ फाइल में बना लीजिए, जैसे रिपोर्ट आपने बना लिया। ये उसके यहाँ भी तो होना चाहिए ना एक्सेल, फिर वो खुलेगा। एक्सेल से लिंक तो नहीं है ये, तो डायरेक्ट इंटरनेट से लिंक है ना? नहीं, जैसे हमने ये पिवट में किसी डेटा को डाउनलोड किया, उसको पिवट में हमने एनालाइज किया। मैं डेटा को डाउनलोड कहाँ किया है, मैं तो डायरेक्ट लिंक डाल दिया। अच्छा, मैं तो वो डायरेक्ट लिंक डाल दिया। मेरा कहना था कि ये हम फिर सबमिट कैसे करेंगे? सेल्स प्रॉफिट हम देख लिए इसमें, हम उन्होंने मुझे बोला बनाने के लिए, हमने बना दिया, प्रॉफिट कितना है, सेल्स कितना है ईयर वाइज, राइट? अब उसे मुझे उनको सबमिट करना है कि लीजिए मैंने बना दिया है, अब आप इस रिपोर्ट को देख लीजिए। तो इसके प्रोसेस क्या है? रिपोर्ट भेज दीजिए ना, मैंने आपको कल ही बताया था ना कि जब पिवट अपना डेटा अपने पास स्टोर करता है ना, देखिए डबल क्लिक कीजिए आपको डेटा मिल जाएगा पूरा, यहाँ आ गया डेटा। तो इसे मैंने इस फाइल को, इस एक्सेल फाइल को जहाँ मैंने सेव किया उसी एक्सेल फाइल को ही भेजना है, मेरा ये पूछना है। क्या समझ नहीं? आप अपना पिवट भेज दीजिए, पिवट अपना डेटा कॉपी कर लेता है अपने पास, वो पिवट डायरेक्ट लिंक नहीं होता एक्सेल फाइल से, वो डेटा को कॉपी करके अपने पास रख लेता है। आपको उसकी डेस्टिनेशन फाइल भेजने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वो उसी सीट पे कॉपी रहता है, ठीक है? जी हाँ, वो अपने बैकएंड में डेटा कॉपी कर लेता है। देखिए ना, यहाँ पे इसमें डबल क्लिक कीजिए, आपको यहाँ दिख जाएगा डेटा, आपको दिख गया ना? नहीं, मेरा ये पूछना था, जैसे टैबलो में हम, जैसे टैबलो ऑनलाइन में हम करते हैं कि अगर लॉगिन परमिशन हमने दे रखी है देखने का, तो वो हमारा एनालिसिस किया हुआ जो भी डेटा है उसे वो देख सकता है, तो ये पिवट में नहीं है? नहीं, पिवट में जैसे आप चाहते हो डेटा ना देख पाए, तो आप भेजने से पहले राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शंस, यहाँ डेटा में आपको दिख रहा है, आपको सेव सोर्स आफ्टर विद फाइल, सोर्स डेटा विद फाइल, इसको चेक कर दीजिए और इसको अनेबल शो डिटेल करके आप भेज दीजिए, आप दिक्कत नहीं है, आपको डेटा नहीं देख पाएगा।
समझे, अभी एक बार ट्राई करके देखिएगा। समझ में आ गया आपको सर? एक्सटर्नल पीपर टेबल, तो एक्सटर्नल पीपर टेबल जैसे कि एक्सेल के अलावा किसी और भी सॉफ्टवेयर में पड़ा हुआ डेटा जिसको आप एक्सेल में एज ए पीपर टेबल लेके आ सकते हैं। मतलब कि मान लीजिए कि आपको एक्सेस में है, ऑरिकल में है, या आपका इसमें है एसक्यूएल में है, तो वहां से डेटा आपको एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं, आपको वहां से एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं। ठीक है जिस तरह आपने डेटाबेस में सर्वर आईपी दिया, देन सर्वर का एसक्यूएल का जो यूजर आईडी पासवर्ड है वो डाल के मैं ऑफिस में कल बना के देखूंगी, फिर आपको रिज्यूम पे। तो यहाँ पे आज जो है मैं 2007 तक का पिवट खत्म कर रहा हूँ। अभी जो फीचर्स मैंने आपको पढ़ाए वो 2007, 2016 सब में अवेलेबल है, लेकिन अब जो मैं कल से टॉपिक पढ़ाऊंगा, अगली आपके पास दो क्लासेस पिवट के भी रह रही है आपकी, तो दो जो क्लासेस मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो इसमें जितने भी फीचर्स है वो 13, 16, 19 के फीचर्स है, तो आप लोग इंश्योर हो जाइए कि आपके पास 13, 16, 19 का एक्सेल है या नहीं। मेरे पास 16 का है सर, 16। क्योंकि इसमें हम बात करेंगे स्लाइसर्स की, हम बात करेंगे रिलेशनशिप्स की, हम बात करेंगे पावर पिवट की, पिवट टेबल मल्टीपल शीट्स वाली पिवट्स की, तो ये चीजें 2007-10 में अवेलेबल नहीं है, राइट सर? तो इसके लिए 13, 16, 19 होना चाहिए। तो आप इंश्योर कर लीजिए कि आपके पास ये सिस्टम पे है, और दो क्लासेस, दो या तीन, अगर दो में हो जाता ठीक है, वरना एक और क्लास कर लूंगा, तीन क्लासेस आपकी पिवट की होगी, उसके बाद हम एक क्लासेस जो कि 1 से 1.5 घंटे का होगा रिफ्रेश क्लासेस, क्योंकि कुछ लोग किस पिवट की क्लासेस ज्वाइन किए हैं, किसी ने ज्वाइन नहीं किया है, एक रिफ्रेश क्लासेस मैं रखूंगा जिसमें मैं पिवट टेबल को शुरू से अंत तक थोड़ा सा फास्ट मोड में पढ़ा दूंगा, ताकि जैसे सुरेंद्र जी हैं और दीपक जी हैं जिन्होंने पिवट की कुछ क्लासेस मिस किया है तो वो इसको यूज कर पाए। क्या सर सीख रहे क्या मैम? और उसमें आपके पिवट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर देंगे, और साथ में अगर आपके पास कुछ ऐसी फाइल है तो उसका भी यूज हो सकता है। ठीक है सर, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में कल। ओके, बाय।